हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.4 को बड़ी आसानी के साथ पूरा सॉल्व करेंगे। और मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इन प्रश्नों को करने से पहले जो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, वो हमें जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। बेसिकली आपके पास 3 सर्वसमिका होगी, कितनी होगी, 3 होगी, और देखना हम 3 से कितने सारे फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको समझाऊं, देखो अगर कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज करो क्वेश्चन क्या है कि भाई मान निकालो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान, ठीक है, ये आपसे पूछ देता है, तो इस सर्वसमिका की मदद से इसे बिना हल किए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1। शर्त यह है कि थीटा समान होना चाहिए, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 है, अगर यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ अलग आ रहा है तो उसके जगह हम 1 नहीं रख सकते, ठीक है। पहला सूत्र तो यह होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा सूत्र होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 3 मेन सूत्र होते हैं। अब अगर ये 3 मेन सूत्र आपको याद हैं तो आप इन तीनों की मदद से और भी ढेर सारे सूत्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ये 3 मेन सूत्र हैं, ठीक। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 3 सूत्र होते हैं। अब देखो भाई, यहाँ से मैं और सूत्र बनाऊंगा, देखो कैसे। कॉस स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। एक सूत्र तो ये हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम रख सकते हो, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे तुम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो, ठीक, एक ये बन गया। या फिर साइन को यहीं रखो, साइन को यहाँ रखो, और कॉस प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तुम साइन स्क्वायर रख सकते हो, या फिर साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकते हो, ठीक। अब यहाँ देखिए और क्या बन सकता है, जैसे 1 है, इधर सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का टेन इधर के क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। और क्या बन सकता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर प्लस का कॉट इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। या फिर कॉट को यहीं रखो, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ रहेगा, और ये जो प्लस का 1 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो 3 थे, 3 से मैंने और दो सूत्र बना दिए। तो अगर ये 3 सूत्र याद है तो इससे बाकी के सूत्र भी आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ आएगी, ठीक है, दो चीज़ आएगी। अगर सर्वसमिका, ऊपर जो मैंने आपको लिखा है ना, इसे सर्वसमिका कहते हैं, अगर प्रश्न में सर्वसमिका लग रही है, अगर सर्वसमिका लग रही है तो लगाओ, ये पहला नियम है। ये नियम मैंने खुद से बनाया है, ये आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर सर्वसमिका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो, साइन कॉस में
बदलो और फिर हल करो, आंसर आ जाएगा। ये दो नियम आपको याद रखना है, अगर सर्वसमिका लग रही है तो लगाओ, और अगर नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलो। सिंपल से एक नियम है, ठीक है, लगेगी तो लगाएंगे, नहीं लगेगी तो साइन कॉस में बदल देंगे। अब आप कहोगे कि भैया ये साइन कॉस में कैसे बदलेंगे, आप ये हमें बताओ, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो दोस्त, आपको कुछ देखो, साइन और कॉस तो ऑलरेडी साइन कॉस है ही है। जैसे यहाँ पर पहला आ जाता है कॉसिक, अगर प्रश्न में कॉसिक थीटा आ जाता है तो कॉसिक की जगह हम लिखेंगे एक बट्टा साइन थीटा, ठीक है। अगर सेक थीटा आ जाता है तो सेक की जगह हम क्या लिखेंगे, एक बट्टा कॉस। अगर टेन आ जाता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और अगर कॉट आ जाते हैं तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। ये होता है साइन कॉस में, कॉसिक को साइन के पदों में लिखा, सेक को कॉस के पदों में लिखा, टेन को साइन कॉस के पदों में लिखा, कॉट को भी साइन कॉस के पदों में लिखा, ठीक है। ये होता है साइन कॉस के रूप में बदलना। अब कुछ सूत्र आपको पहले से ही मैंने लिखवा रखा है, करा रखा है, ठीक। जैसे आप जानते होंगे कि साइन थीटा गुणे कॉसिक थीटा का मान एक होता है, उसके बाद कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान एक होता है, उसके साथ साथ टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान एक होता है। इन सूत्रों को आप पहले से ही जानते हैं, इनको तो मैंने प्रश्नावली 8.1 में ही करा दिया था, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, हम जाके देख सकते हैं। और अगर आप साइंस के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम नोट्स, तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ये जो नंबर है, इस पे आपको क्या करना होगा, फ़ोन पे करना होगा, और इसकी स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देनी होगी, तो मैं आपको सारे नोट्स भेज दूंगा साइंस के 99 रुपीज़ में ओनली, ठीक है, 99 रुपीज़ ओनली। उसमें आपको अभी फ़िलहाल साइंस मिलेगा, और 99 रुपीज़ में आपके आपको अदर सब्जेक्ट भी बाद में मिल जाएंगे। फ़िलहाल साइंस का बन चुका है तो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, और जब तक आप खरीदेंगे तब तक शायद और भी बन जाए, तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सूत्र और ये सर्वसमिका अगर आपको याद है तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और आपको पता है यहाँ से सिद्ध करने के लिए एग्ज़ाम में प्रश्न हर साल आता ही आता है, ठीक। तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक टेन को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन को कॉट के पदों में लिखना है, अच्छा, ठीक है, साइन है सेक है, इन सभी को हमें कॉट के पदों में लिखना है। प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.4 क्लास 10th, ठीक है, हिंदी मीडियम। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास तीन चीज़ें, साइन ए बोला है, ठीक, साइन को भी बदलना है, उसके साथ साथ नंबर टू हमें सेक को भी बदलना है, ठीक है, सेक को भी बदलना है, और नंबर थ्री हमें कॉट को भी बदलना है, सॉरी टेन को भी बदलना है। तो टेन को बदलना सबसे आसान है, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है, एक बट्टा कॉट, एक ही लाइन में आंसर आ गया। सबको कॉट के पदों में बदलना है, ठीक है, साइन को कॉट के पदों में बदलना है, तो साइन का कॉट के पदों में बदलना है। तो अगर तुम कॉसेक ला देते हो साइन को, तो कॉसेक की जगह तुम कॉट रख सकते हो। देखो, आप जानते हो कि साइन बराबर क्या होता है दोस्त, एक बट्टा कॉसेक, ये सूत्र है, साइन बराबर क्या होता है, एक बट्टा कॉसेक। और आप ये जानते हो, अभी मैंने आपको लिखवाया था 1+ कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, अंडरूट लगा दोगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, अंडरूट के अंदर 1+ क्या होता है, 1+ कॉट स्क्वायर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये चीज़ ना प्रैक्टिस पे निर्भर करती है, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है कभी बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा जैसे है, सेक को बदलना है कॉट के पदों में, सेक को बदलना है कॉट के पदों में, ठीक है। सो देखो, आप जानते हैं
अगर आप 10 के पदों में भी लाओगे ना तो आप कॉट के पदों में लिख सकते हो, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, 1/cot। तो हम जानते हैं 1 + tan² a क्या होता है, sec² ये सर्वसम्मिक है, अभी मैंने आपको याद करना सिखाया है। तो sec क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे 1 + tan² a, ये sec की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ sec है ना उसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 + tan² a अंडर रूट में। आप कहोगे सर आप 10 के पदों में क्यों ला रहे हो, हमें तो cot के पदों में लाना है। तो आप जानते हैं कि 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर 1/cot होता है, होता है कि नहीं होता है, और 10 की जगह पर रखेंगे 1/cot, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 1 का वर्ग 1, और इधर से वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर। आगे हल नहीं करना, यहीं पे छोड़ देना है। तो देखो साइन को भी cot के पदों में बदला, sec को भी हमने cot के पदों में बदला, 10 को भी हमने cot के पदों में बदला। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा पहला था, प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 गणित। ये हो गया हमारा आराम से। अब आते हैं नंबर टू में, क्या क्या कह रहे हैं हमें, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में व्यक्त कीजिए। sec का मतलब सीधा सीधा संबंध है कि cos के रूप में लाओ, है ना, क्योंकि sec बराबर 1/cos होता है। तो बाकी मतलब सभी 5 को ना sec के पदों में बदल के लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये 2 है। सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं, नंबर 1 साइन। देखो अगर साइन को मैं cos के पदों में लिख देता हूँ तो बात बन जाएगी। आप जानते हो साइन को मैं लिख सकता हूँ, देखो सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 - cos² a, यही होता है ना। तो साइन की जगह पे क्या हो जाएगा, अगर मैं वर्गमूल ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 - cos² a अंडर रूट में, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 - cos² a। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हो sec के पदों में लिखना cos बराबर क्या होता है, 1/sec, sec बराबर 1/cos होता है, तो cos बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec। अब ये मान रख दो यहाँ पर वर्ग है ना, तो वर्ग कर देते हैं, 1 का वर्ग 1, sec का वर्ग करेंगे तो sec² a, ये पहला वाला आंसर आ गया। sin को हमने sec के पदों में लिख दिया। ठीक है जी, अब आ जाओ नंबर 2 में, जो cos होता है वो आपको पता ही है क्या होता है, सूत्र 1/sec, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, सिंपल। तीसरे वाले में आ जाओ, tan, अगर tan को तुम लिखोगे, आप जानते हो कि 1 + tan² a बराबर होता है sec² a, है ना, तो tan² a बराबर क्या होगा, प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक, तो tan बराबर क्या होगा, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लेते हैं, sec² a - k1, तो tan की जगह पर ये मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा sec² a - k1। तो tan को भी हमने sec के पदों में लिख दिया। अब आ जाओ नंबर 4 में, क्या है, cosec। तो cosec को मैं sin के पदों में लिख सकता हूँ, cosec बराबर क्या होता है, 1/sin, और sin को ऑलरेडी आपने sec के पदों में बदल दिया है, तो ये मान उठाकर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो cosec भी हमारा बदल गया sec में। ठीक, 5वां, sec ऑलरेडी sec को तो sec में क्या ही बदलोगे। अगला आ जाता है cot, तो cot बराबर क्या होता है, 1/10, और 10 को जस्ट अभी आपने sec में बदल रखा है, ये मान उठाकर यहां रख दो, आप मुझे कोई भी प्रश्न दे दो,
और किसी के रूप में बदलने के लिए बोल दो, साइन कॉस टेन आराम से बदल दूंगा। ये चीज़ बच्चों आती है प्रैक्टिस से, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना तब आती है, एकदम से नहीं आती है। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे में। क्या देखिए, कह रहे मान निकालिए, ये पहला और दूसरा, ठीक है, इनको हमें हल करना है। और ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट क्या दिया है हमें, प्रश्न में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टे में है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है जी, ये हमें दे रखा है। अब आपको मैंने ऑलरेडी पहले 8.3 में बता रखा है, जब दो कोण को हम जोड़ते हैं और जोड़ने पे जब हमें 90 मिल रहा है तो उन दोनों में से किसी एक को बदलना होता है, किसी एक को बदलना होता है, दोनों में नहीं। तो देखिए मैं ऊपर में से एक को बदलना है, तो साइन स्क्वायर 63 को वैसे का वैसे रखा, यहाँ पे साइन है 27 ना, 90 में से मैं कितना घटाऊँगी, 27 आ जाए 63, वर्ग है तो मैंने टोटल का वर्ग ले लिया नीचे। अब इसके बाद पहले वाले को बदलते हैं, कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊँगी, 17 आ जाए 73, वर्ग है तो टोटल का वर्ग ले लिया। फिर यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 73। ठीक, आपको सूत्र पता है कि भैया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये आप जानते हैं भली भांति। अब इसके जगह पे मान रखिए साइन स्क्वायर 63 है प्लस, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर होता है स्क्वायर लग गया, थीटा की जगह पे क्या है 63। नीचे आ जाओ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 73, स्क्वायर होता है स्क्वायर लगा दिया, और ये वाला वैसे के वैसे ही है। ठीक, आप जानते हो, क्या जानते हो आप, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, देखो ये थीटा और ये थीटा समान है, ये थीटा क्या है, समान है, तो ऊपर भी आ जाएगा एक, नीचे भी आ जाएगा एक, एक को एक से भाग देंगे क्या आ जाएगा, एक, एक कम एक। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अब आते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट में, इसके क्या है, साइन 25, फिर क्या है कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं, देखो 25 और 65 को जोड़ोगे 90 आ रहा है, और यहाँ पे भी जोड़ोगे 90 आएगा। अब देखो इन दोनों में से एक को बदलना है, अगर आप यहाँ से 65 को बदलते हो तो इधर से भी आपको 65 को ही बदलना पड़ेगा। आपको कि सर अभी तो आपने बोला कि दोनों में से किसी को बदल सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन देखो कोण समान टाइप के हैं ना, 25 65 25 65, तो अगर इधर से 65 वाला बदल रहे हो तो उधर से भी 65 वाला ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि सेम टाइप के कोण है। अगर कोण दोनों में अलग अलग होते तो हम कोई भी बदल सकते थे, और जब भी सेम टाइप का होता है तो इधर से जिस टाइप का बदल रहे हो उधर से भी उसी टाइप का ही बदलना पड़ता है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, साइन 25 इसको मैंने वैसे का वैसे रखा, इसको बदल देता हूँ 65 वाले को, कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊँगी, 65 आ जाए 25, इधर 25 वाले को नहीं बदला है तो इधर भी 25 वाले को नहीं बदलना है। अब इधर से बदलना है 65 वाले को, साइन 90 में से मैं कितना घटाऊँगी, 65 आ जाए 25। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पर भी सूत्र लगेगा और यहाँ पे भी क्या लगेगा, सूत्र लगेगा, जानते ही हो आप कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है,
साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये जानते हो आप? तो ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, साइन ये हो जाएगा 25, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना है? 25 है। ये वाला तो वैसे का वैसे कॉस 25, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे कितना है? 25। साइन 25 गुना साइन 25, दो बार गुणे में साइन, तो साइन स्क्वायर 25। यहाँ से भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 25। और आप जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, या फिर अगर ऐसे भी लिखो ना मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो भी इसका मान एक ही होता है। ठीक, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? एक। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब आते हैं अगले प्रश्न में, चौथे नंबर में। ये जो प्रश्न है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, मतलब हल करके आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर में हर साल एग्ज़ाम में आता ही आता है। आपको पता है बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आते ही आते हैं। मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, हम जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? पहला वाला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये है हमारा। तो अगर आप ध्यान से देखें इन प्रश्नों में क्या होता है, मैंने बोला है अभी आपको बोला था कि अगर सर्वसमिका लग रही है तो लगाओ, अगर सर्वसमिका नहीं लग रही है तो साइन को उसमें बदलो। ये सिंपल सा नियम आपको याद रखना है हमेशा। तो देखो पहले तो देख रहे हैं भैया 9 ओबेनिस्ट है, 9 ओबेनिस्ट निकाल दो। सेक स्क्वायर ए यहाँ से बचेगा 10 स्क्वायर ए, ये 10 है। ठीक है, टी है। अब मैंने क्या बोला, सर्वसमिका लग रही है तो लगाओ, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है? एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक। लगा दिया, और 9 एक कम 9, तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, 9। ठीक, सेकेंड वाले पे आ जाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। क्या है हमारे पास? 1 प्लस 10 थीटा और क्या है प्लस का sec थीटा, गुणे में है 1 प्लस cot थीटा माइनस का है sin थीटा। अरे वहाँ ना a लिखा हुआ है, अच्छा थीटा ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोई सर्वसमिका लग रही है क्या? आप खुद बताओ कोई सर्वसमिका लग रही है? नहीं लग रही। अब सर्वसमिका यही है आपकी आंखों के सामने, अगर नहीं लग रही तो क्या हुआ है? साइन को उसमें बदलो। तो साइन को उसमें बदलेंगे, एक 10 को हम लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी मैंने आपको कॉपी में सूत्र में लिखवाया था, ठीक है ना, सूत्र में आपको मैंने सारा लिखाया था। 10 बराबर साइन बट्टे कॉस, कॉट बराबर होता है कॉस बट्टे साइन, सेक बराबर होता है एक बट्टे कॉस, कॉसेक बराबर होता है एक बट्टे साइन, इनको याद करो। ठीक है, सेक बराबर क्या होता है? एक बट्टे कॉस। यहाँ पे आ जाओ, कॉट बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और यहाँ पर पहले से ही साइन में है। ठीक, साइन में नहीं यार, कॉसेक था यार, मैंने यहाँ देखो यार कॉसेक था ना, कॉसेक था, मैंने साइन लिख दिया है, सॉरी, एक बट्टा साइन हो जाएगा फिर, यहाँ पर कॉसेक था। ठीक, अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, और इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे। देखो ये एक बट्टा साइन है यहाँ पर, ठीक है, कॉसेक को साइन में बदल दिया। अब देखो इसके बट्टे में कॉस, इसके बट्टे में कॉस, कॉस एक कम कॉस,
लॉस ऑफ पर क्या आ जाएगा, कॉस। इसकी भागा हम इससे करेंगे, कॉस बढ़ जाएगा, कॉस एक कम कॉस। अब इधर कॉस, इधर कॉस है, इधर भी कॉस है, जब इधर के नीचे और इसके नीचे सेम टू सेम हो तो ऊपर वाला वैसे के वैसे आ जाता है, ठीक। तो देखो साइन साइन लॉस ऑफ पर क्या जाएगा, साइन थीटा। एक को साइन में भाग देंगे, साइन बढ़ जाएगा, साइन एक कम साइन। साइन से भाग देंगे, देखो इसके नीचे साइन, इसके नीचे साइन और इधर भी साइन, सेम टू सेम होने पर ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये चीज, ये चीज समान है, ये चीज और ये चीज समान है, बस फर्क है प्लस का और माइनस का। तो आपको एक सूत्र पता होगा कि भैया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं। लगा दो यहां पर ए, ए का स्क्वायर और ये बी की जगह पर एक है, बी का स्क्वायर, ऊपर ऊपर गुणा हो गया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणे का संबंध होता है, कॉस गुणा साइन, ऊपर ऊपर गुणा लगा दिया, नीचे नीचे गुणा लगा दिया और ऊपर सूत्र भी लग गया। अब यहाँ खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र, है ना, आप जानते होंगे क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी, यही होता है ना। लगा देते हैं यहाँ पर, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का टू ए बी, और एक का वर्ग क्या होता है एक, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक। अब आप जानते ही हो कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो मेंशन करना पड़ेगा चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, एक। यहाँ पर है टू कॉस थीटा गुणे में साइन थीटा, प्लस का एक माइनस का एक कटा, क्या बचा, टू कॉस थीटा साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर नीचे गुणे भाग में कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन साइन कटा, क्या बचा, सिर्फ दो बचा। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा दो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। अब आ जाते हैं तीसरे वाले में कि इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान किसके बराबर होगा, तीसरे नंबर पे आ जाओ। तो बाबू अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो ना तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। चलिए हमें दिया क्या है लिख लेते हैं, हमें दिया है sec a प्लस tan a और गुणे में वन माइनस साइन ए, ठीक। ये चीज हमारे पास, अब देखिए क्या कोई सर्वसमिका लग रही है, नहीं लग रही, सर्वसमिका नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलना है, ठीक। मैंने बोला है आपको, देखो सेक को हम लिखते हैं एक बट्टा कॉस, प्लस साइन को लिखते हैं, टेन को लिखते हैं साइन बट्टा कॉस, और ये तो पहले से ही साइन में बदला हुआ है, इसके बट्टे में कुछ नहीं था, मैंने एक ले लिया। अब ये भिन्न के रूप में दिख रहा है, इसको पहले हल करेंगे, देखो दोनों के नीचे समान है तो लॉस ऑफ पर वही आ जाएगा, और जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है, तो वन माइनस साइन, वन प्लस साइन और इधर है वन माइनस साइन, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणे में। तो ये किस रूप में आपको दिख रहा है बताइए, यहाँ पर समान है, यहाँ पर समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर समान है, फर्क सिर्फ चिन्ह का है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि a प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। देखो जब हम वर्ग करते हैं साइन का वर्ग होगा, a का वर्ग नहीं होगा, कोण का कभी वर्ग नहीं होता है,
और कॉस एक कम कॉस। एक का वर्ग क्या होता है? एक। और आप सर्वसम्मिका जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सूत्र याद करना होगा दोस्तों, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो रखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, बट्टे में क्या है कॉस, स्क्वायर का मतलब क्या होता है गुणे में, कॉस ए गुणा कॉस है, बट्टे में क्या है कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस कटा, क्या बचा सिर्फ एक कॉस, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो कितना मिलेगा कॉस मिलेगा, ऑप्शन नंबर कॉस डी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले वाले में, अब यहाँ उत्तराखंड लिखा हुआ है किताब में, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं किसी उत्तराखंड वालों के लिए है, उत्तराखंड में मैं रहता हूँ तो यहाँ पर एनसीईआरटी में उत्तराखंड लिखा हुआ आता है, आप जहाँ पे भी रहेंगे ना एनसीईआरटी में वहाँ का स्टेट का नाम होगा। ये वीडियो तो मैं बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड सबके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए ही है। अगले चौथे नंबर पर आ जाओ, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है, चौथे नंबर आते हैं, तो देखिए चौथा नंबर है क्या दिया है हमें, एक प्लस में है टेन स्क्वायर ए बट्टे में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बाबू मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर सर्वसम्मिका लगेगी, अगर सर्वसम्मिका लगेगी तो सर्वसम्मिका लगाओ, आप जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर के बराबर और वन प्लस कॉट होता है कोसेक स्क्वायर के बराबर, ऑप्शन में देखोगे तो ये उत्तर नहीं है। अब क्या करें, कुछ नहीं आ रहा है तो हमें साइन कॉस बदलना है, सेक क्या होता है एक बट्टा कॉस, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, कोसेक होता है एक बट्टा साइन, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। अब आगे हल करेंगे, एक का वर्ग होता है एक, कॉस का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे में, एक का वर्ग करेंगे एक, साइन का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर है बट्टे में कॉस स्क्वायर एक कम कॉस स्क्वायर है, तो साइन बट्टा कॉस दोनों का स्क्वायर है तो मैं लिख दूंगा टोटल का स्क्वायर, साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन, स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा आंसर टेन स्क्वायर ए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, टेन स्क्वायर ए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पाँच पे में 10 पार्ट आपको मिलेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दो आएंगे, ठीक है, दो में से कोई एक सिद्ध करना होगा, लेकिन मान के चलिए दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे तरीके से पढ़ोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है, ये जो थीटा है ना सारे न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है 90 अंश से कम के कोण, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। आप सिद्ध बाएं से दाएं कर सकते हो, दाएं से बाएं भी कर सकते हो, लेकिन हमें वो पद लेना होता है जिधर बड़ा है, ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हमें दोनों पक्षों को साथ साथ लेके हल करना होता है, ठीक है, वो करेंगे, तो पहले वाले भी आ जाते हैं, हमें सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग इसके बराबर होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पहला वाला पार्ट तो हम ले एग्जाम में कैसे लिखना कॉपी में वैसे लिखवा रहा हूँ, यहाँ लिखोगे आप बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, जो भी आपका बायां पक्ष है उसे आप लोगे, बायां पक्ष क्या है आपका कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का वर्ग है, प्रूफ पे नज़र बनी हुई होनी चाहिए, हमें आंसर में वन माइनस कॉस थीटा बट्टे में वन प्लस कॉस लाना है, ठीक। अभी मैंने आपको क्या बोला था
कि कोई सर्वश्रमिका लग रही है तो लगाओ। कोई सर्वश्रमिका लग रही है यहाँ पर? नहीं लग रही। सर्वश्रमिका जब नहीं लगती है तो हमें साइन कॉस में बदलना होता है। आप जानते हैं कॉसेक बराबर होता है 1/sin, कॉट बराबर होता है कॉस 1/sin। ये आप जानते हैं, यहाँ लगा देंगे कॉसेक बराबर 1/sin थीटा और कॉट बराबर होता है कॉस थीटा 1/sin थीटा। वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। देखो इसके 1/sin है, इसके 1/sin है, दोनों के 1/sin है, तो लॉस ऑफ कितना आ गया साइन। जब नीचे दोनों के समान हो ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है, ठीक। अब वर्ग है तो दोनों का वर्ग ले लेंगे अलग अलग, इसका भी ऊपर वाले का अलग वर्ग ले लिया, नीचे वाले का भी वर्ग अलग ले लिया। अब प्रूफ में हमें दोनों में कॉस चाहिए। देखो ऊपर भी कॉस है, नीचे भी कॉस है कि नहीं प्रूफ में? तो देखिए दोस्त, ऊपर वाले में तो कॉस आ रहा है लेकिन नीचे वाले में साइन लिखा हुआ है, तो हम साइन को कॉस के पदों में बदलना जानते हैं। क्या जानते हैं? कि भैया साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 - cos² होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये मान अब हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से हो जाए, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, उसको वैसे का वैसे रखो। साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा, और 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये किस रूप में है? नीचे वाला इस रूप में, a² - b² जिसका सूत्र होता है a+b * a - b होता है। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुणे में, घात में 2 है ना, मतलब दो बार गुणे में 1 - cos θ गुणे में 1 - cos θ। नीचे से आ जाएगा a+b a - b, इससे ये कटा, ऊपर क्या बचा 1 - cos θ, नीचे क्या है 1+cos θ, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो कई सारे यूट्यूबर मिलेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, वीडियो लंबा लंबा बनाएंगे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे वही बेस्ट है, ठीक है। और मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना प्रीमियम, मैं किसी भी यूट्यूबर के साथ कंपटीशन करने के लिए रेडी हूँ। मेरे से अगर कोई आसान पढ़ा दे मेरे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, ठीक है। ये घमंड नहीं है, ये मेरा वर्षों की तपस्या है। सन 2010 से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, 6-7 साल हो गए यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस इतना है, इस हिसाब से बोल रहा हूँ। जो ये मैंने आपको बताया, ये मेरी वीडियो का जो ट्रिक है ना, ये बहुत पुराना है। मेरे वीडियो देख के लोग कॉपी करके पढ़ाते हैं यूट्यूब में, ठीक है। पहले वो कुछ और तरीके से पढ़ाते थे। मेरी ये सब वीडियो ऑलरेडी बनी पड़ी है जिसमें मिलियन व्यूज़ में है। मैं पिछले 4-5 साल पहले भी यही मेथड बता रहा था, आज भी वही बता रहा हूँ। लेकिन उनके वीडियोज़ में, पुराने वीडियोज़ में देखोगे कुछ और तरीके से बता रहे थे, लेकिन नए वीडियो में देखोगे वो मेरे तरीके से बता रहे हैं। तो ये है, मैं किसी का कॉपी नहीं करता, ठीक है। मैं, मेरी पढ़ाई बिल्कुल सिंपल रहती है। हाँ एक थोड़ा सा फैक्टर रहता है मेरे आवाज़ को लेकर, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये सेकंड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, इसको लेके ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, हम यहाँ पर कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेकंड वाले पार्ट में बायां पक्ष लेने पर ठीक। क्या है बायां पक्ष, उसको हम लिखते हैं। हमारे पास बायां पक्ष है कॉस ए 1 + sin a, फिर प्लस में है 1 + sin a 1 - cos, और सिद्ध करना है हमें 2 sec a। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक। अब आप देखो, कोई सर्वश्रमिका लग रही है तो लगाओ, कोई सर्वश्रमिका लग रही है नहीं तो साइन कॉस में बदलना होता है। ये पहले से ही साइन कॉस में, ऊपर साइन कॉस, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। तो अब क्या करना है हमें, लॉस ऑफ वाले के हल करना है। लॉस ऑफ वाले लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर दोगे, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी,
और जब भी हम नीचे नीचे गुणा करके लॉस ऑफ पावर लेते हैं तो आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ होती है, कॉस गुणा कॉस, कॉस की घात दो कॉस स्क्वायर, वन प्लस साइन है गुणा वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है दो बार गुणे में, ठीक। आप जानते हैं कि भैया ए प्लस बी का जो वर्ग होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab, यही होता है, ठीक है। लगाते हैं सूत्र, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर है, इसको खोलिए, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस 2ab, ठीक। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे लिख देना है, उसको छेड़ना नहीं है। अब हम थोड़ा व्यवस्थित करके लिखेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और एक का वर्ग क्या होता है एक, दो एक कम दो, और यहाँ पर है साइन ए, बट्टे में जो है उसको वैसे रख दो, यहाँ पर है वन प्लस साइन ए और गुणे में है कॉस ए। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, कितना होता है एक होता है, रख दिया। एक और एक कितना हो जाएगा दो, और यहां पर है दो साइन ए, बट्टे में क्या है वन प्लस साइन ए गुणा कॉस ए, ऊपर से क्या आ जाएगा दो ओपन स्ट आ जाएगा, दो एक कम दो, दो बाहर आ गया, यहां से बचा साइन ए, वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कटा, ठीक है। देखो गुणे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ ना, किसी भी संख्या को एक से गुणा कर लिख सकते हैं, तो ये आ गया एक बट्टा कॉस, ठीक। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हो कि एक बट्टा कॉस क्या होता है, एक बट्टा कॉस क्या होता है सेक, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सेक, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ्ड। अब बताइए कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। हो गया, तीसरे वाले पे आ जाते हैं, तीसरा वाला पार्ट भी बड़े नंबर में आता है, ठीक। क्या है, टेन थीटा बट्टे में वन माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा वन माइनस थीटा, इसको हमें ये सिद्ध करना है, ठीक। चलिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे थर्ड पार्ट में, आ जाओ यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, तो जो भी हमारा बायां पक्ष है उसे हम लिख लेंगे, क्या है हमारा बायां पक्ष, टेन थीटा बट्टे में है वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में है वन माइनस टेन थीटा, ये है क्वेश्चन। अब आप खुद बताइए क्या कोई सर्वसमिका लग रही है, नहीं लग रही। सर्वसमिका जब नहीं लगती तो हमें क्या करना होता है, साइन कॉस में बदलना होता है, तो टेन को लिख सकते हैं साइन बट्टे कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टे साइन, प्लस का चिन्ह लग गया, कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और टेन को लिखते हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख
इसके बट्टे में कुछ नहीं दोगे। जब भी भिन्न के रूप में रहता है ना, यहाँ भिन्न के जोड़ घटाने के रूप में, इसको हमें पहले हल करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक, चलिए हल करते हैं। ऊपर वाला वैसे के वैसे रख दो, साइन बट्टे में कॉस, इसको वैसे का वैसे रखो, साइन एक कम साइन, तो इसकी गुणा इसके साथ, साइन एक कम साइन माइनस इसकी गुणा इसके साथ, एक गुणा कॉस कॉस हो जाएगा। ऊपर वैसे का वैसे कॉस बट्टे साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉशरपा, एक गुणा कॉस कॉस थीटा, इसकी गुणा इसके साथ कॉस एक कम कॉस, और इसकी गुणा इसके साथ साइन एक कम साइन। ठीक, अब जानती हैं। अब क्या है, आपको इसकी गुणा इसके साथ करनी है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, सेम चीज़ यहाँ पे भी, इसकी गुणा इसके साथ करनी है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो साइन गुणा साइन, साइन दो बार गुणे में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा गुणे में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। फिर यहाँ देखिए, कॉस गुणा कॉस, कॉस की घात दो, और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। हमारी जो, हमें जो प्रूफ करना है उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, हमें आप प्रूफ में वन प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा लाना है। अब देखो, ये फिर से भिन्न के जोड़ घटाने के रूप में आ गया है ना, ये भी एक भिन्न है, ये भी भिन्न बीच में जोड़ है, तो हमें लॉसोपा लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, सेम चीज़ है, बस फर्क किसका है, चिन्ह का है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इधर वाले में से माइनस उबनिश निकालूंगा ताकि ये सेम बना पाऊँ, और फिर कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। इसको कुछ नहीं करना है, इस वाले को तो वैसे का वैसे ही रख देना है। अब देखो यहाँ से जब मैं माइनस निकालूंगा उभयनिष्ठ, तो माइनस जब बाहर आ जाएगा, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस, ये मैंने पहले ही लगा दिया, ये साइन वैसे का वैसे रहेगा, और अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा, जो नेगेटिव का है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव का है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब हमें लॉसोपा लेना है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, समान है, तो जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो बचे हैं उनको गुणे में डाल देंगे, कॉस साइन। ठीक, अब आप देखो जब भाग दोगे, कॉस साइन से जब भाग दोगे तो ये वाला कटेगा, क्या बचेगा, साइन, साइन गुणा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की घात तीन। ठीक, क्योंकि इसकी घात दो, इसकी घात एक, गुणा में घातें जुड़ दी हैं, अब जब इसमें भाग देंगे, साइन से साइन कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा, कॉस, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर, कॉस की घात कितनी हो जाएगी, तीन, इसकी दो घात, इसकी एक घात, गुणा में घातें जुड़ दी हैं। अब आपको एक सूत्र पता है, कौन सा, ये सूत्र पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी क्या होता है, प्लस का ए बी, ये आप भली बातें जानते होंगे। ठीक, लगाते हैं, तो ऊपर लगाना हमें, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है, ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, फिर आएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, बट्टे में क्या है, कॉस थीटा, ठीक, ये चीज़ है। अब आप देखो, इससे ये कटा कटा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो लगाओ, चूंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, एक, वो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसकी जगह पे आ जाएगा एक, ये है साइन थीटा कॉस थीटा, टोटल के बट्टे में क्या बचा है, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे में ले लेंगे। एक के बट्टे में आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। बट्टे में है कॉस थीटा साइन थीटा। देखो कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, ऊपर नीचे सेम है, कट के वन आता है। तो एक प्लस दो लिखो या दो प्लस एक लिखो, बात एक ही होती है। तो इस एक को पहले लिख देंगे और अलग अलग बट्टे ले लेंगे। एक के गुणे में एक लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा एक बट्टा कॉस गुणा एक बट्टा साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक एक बट्टा कॉस क्या होता है, एक बट्टा कॉस होता है सेक थीटा। एक बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था। एक बट्टे कॉस की जगह पर सेक रखा, एक बट्टे साइन की जगह पर कॉसेक रखा। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, चौथे वाले पार्ट में ना इसमें संकेत दे रखा है। कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में कोई संकेत नहीं दिया जाएगा। अब कभी कभी ऐसे प्रश्न हम आ जाते हैं कि कितना भी कोशिश कर लो कि लेफ्ट से तुम्हारा राइट वाला प्रूफ नहीं होगा और राइट से लेफ्ट वाला प्रूफ नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि दोनों को साथ साथ हल करते हैं, और जहाँ बराबर आता वहीं छोड़ के लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड बोल के इति सिद्धम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में ना दोनों पक्षों को साथ साथ हल करना है। ठीक है, तुम लेफ्ट से राइट वाला प्रूफ नहीं कर सकते और राइट से तुम लेफ्ट वाला प्रूफ नहीं कर पाओगे, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो। होगा, हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए, लेकिन वैसे नहीं हो पाएगा। तो हमें दिया क्या है, दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है, वन प्लस सेक ए, टोटल के बट्टे में है सेक ए, और इधर है साइन स्क्वायर ए, बट्टे में वन माइनस कॉस ए। ठीक, अब आप देखो इधर कोई सर्वसमिका लग रहा है, नहीं लग रहा है। सर्वसमिका जब नहीं लगती है तो साइन कॉस में बदलना होता है। सेक को हम लिखते हैं एक बट्टा कॉस, टोटल के बट्टे में एक बट्टा कॉस। तो पहले इसको थोड़ा हल ही कर लेते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। ठीक, लॉस ऑफ कॉस एक कम कॉस, इसके गुणा इसके साथ कॉस गुणा एक, कॉस एक कम कॉस प्लस एक एक कम एक। और बट्टे में क्या है, बट्टे में दो एक बट्टा कॉस है। ठीक, अब देखो इसके बट्टे जब दोनों के बट्टे में समान होता है ना, जैसे ये कॉस है, इसके बट्टे में कॉस है, इसके बट्टे में कॉस है, तो सेम टू सेम होने पे कट जाता है, काट दिया। तो यहाँ क्या बचा, कॉस ए प्लस वन, बट्टे में है एक, और किसी भी चीज़ को भाग देंगे एक से तो वही आ जाता है कॉस ए प्लस वन, ऊपर वाला आ जाता है। तो इसको सरल करके यहाँ तक आया, लेफ्ट वाला हम यहाँ तक आए हैं। अब मैं राइट वाले को सॉल्व करता हूँ, कॉस में लाना है किसी भी हालत में। देखो साइन स्क्वायर को कॉस के अगर पदों में लिखना चाहें, ठीक है, क्या होता है आप जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या है, वन माइनस कॉस है। ठीक, वन को मैं लिख सकता हूँ वन स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, वन को मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक का वर्ग करोगे तो एक ही होता है। अब यहाँ आपको सूत्र दिख रहा होगा किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी होता है। ठीक, तो लगाओ ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, तो यह आ जाएगा वन प्लस कॉस ए गुणा वन माइनस कॉस ए, बट्टे में ऑलरेडी है वन माइनस कॉस ए, इससे ये कटा। वन प्लस कॉस लिखो या कॉस ए, कॉस प्लस वन, बात एक ही है। तो देखो दोनों तरफ आगे बराबर, यहीं पे छोड़ देना है, यहीं पे छोड़ देना है, और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम।
ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवा क्वेश्चन बड़े नंबर में, पांच नंबर में बोर्ड एग्जाम में हर साल आ जाता है, पांच नंबर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। छठा भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पांच नंबर बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन दो नंबर में आता है, ठीक है। कह रहे हैं सर्वसमिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको ये ला के दिखाना है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर बायां पक्ष ही क्यों लेते हो, दायां पक्ष क्यों नहीं लेते? तो देखो जिस तरफ पक्ष में ज़्यादा संख्याएं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें होती ना उसी को लिया जाता है, ठीक है। इधर तीन है इधर दो है, तो तीन को लेके छोटा वाला प्रूफ करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। छोटे वाले को लेके बड़े वाला प्रूफ करना ज़्यादा टफ है, हो जाएगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो पाँचवें क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पाँचवा क्वेश्चन, ठीक। तो जो दिया है वो लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक, बायां पक्ष क्या है उसे एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का एक, ठीक। बट्टे में है कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का एक, ठीक। हमें कौन सी सर्वसमिका लागू करनी है, हमें दिया है ना सर्वसमिका कौन सी दे रखी है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। इस सर्वसमिका को हमें लागू करनी है वन प्लस, इस सर्वसमिका को हमें लागू करनी है। अब देखो आप जानते हो कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है एक बट्टा साइन, और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस बट्टा साइन। अब प्रश्न में इसने बोल दिया है कि इसको लागू करना है, इसको लागू करना है। अब अगर इसको लागू करना है तो कॉसेक और कॉट तुम्हें यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है जो तुम लागू करोगे, नहीं दिख रहा। तो लागू करने के लिए देखो कॉसेक बराबर क्या होता है, एक के बट्टे में साइन, कॉट बराबर क्या होता है कॉस बट्टे साइन, दोनों के बट्टे में साइन है। तो मैं क्या करूँगा, अंश और हर दोनों में साइन से भाग दे दूंगा, हर एक पद में इसको भी साइन से भाग दूंगा। जो भी काम कर रहा हूँ मैं अंश और हर दोनों में कर रहा हूँ तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। देखो कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट, साइन से साइन कटा एक, और एक बट्टे साइन क्या होता है कॉसिक, नीचे भी वही चीज है बस चिन्ह का फर्क है, ठीक। अब आप देखो यहाँ एक है, अब ये जो सर्वसमिका दे रखी थी हमें एक्चुअली क्या है, देखो भाई ये प्लस का कॉट इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ क्या है कॉसेक स्क्वायर, और ये प्लस प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी एक के जगह पे तुम, है ना, एक के जगह पे तुम ये मान रख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखो एक एक जगह नहीं है, दो जगह है, तो क्या दोनों जगह रखना है एक की जगह पर, नहीं किसी एक में रखना है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि किस वाले में रखना है, तो देखो ऊपर लाना है नीचे नहीं लाना है, तो नीचे वाले में नहीं रखना है, ऊपर चाहिए तो सिर्फ ऊपर वाले में रखना है, इससे ये आइडिया लगेगा। तो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना इस वाले में मान रखना है, तो मान रखेंगे कॉट और कॉसेक को पहले साथ में रख लो, तो यहाँ से देखो कॉट ए प्लस कॉसेक इसको साथ में रख दिया, माइनस का एक इसको अलग रखते हैं, ढंग से पहले लिख लेते हैं। नीचे वाले को कुछ नहीं करना, अब बस उसको वैसे का वैसे लिखते रहो, देखना ये अभी आगे चल के कट जाएगा, आगे चल के ये कट जाएगा हट जाएगा, टेंशन मत लो उसकी। यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए यही है माइनस, एक की जगह पे ये मान हम रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
ठीक, ये मान हम रख सकते हैं, और बट्टी में जो है उसको वैसे का वैसा रख दो। कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब आप देखो ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी होता है। तो इसको खोल के लिख देते हैं, यहाँ से क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक, माइनस, इसको खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, ए प्लस बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के जगह पे कॉसेक था और बी के जगह पे कॉट, बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसा रख दो। ओके, अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये चीज और ये चीज दोनों में ओमेनिस्ट है, कॉसेक प्लस कॉट बोलो या कॉट प्लस कॉसेक, बात तो एक ही है ना, तो ये जो ओमेनिस्ट है उसको बाहर निकाल दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये टोटल ओमेनिस्ट है। जब कोई चीज पूरी बाहर आ जाती है तो एक ओमेनिस्ट आता है, कॉसेक मतलब पूरा बाहर चला गया ना, जैसे दो एक कम दो, तो ये पूरा बाहर आ गया तो एक बार जाएगा, ये तो बाहर आ गया, अब ये बचेगा, अब इस माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, चिन्ह बदल जाता है अंदर का। नीचे क्या है देखो, वन प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, व्यवस्थित करके लिख दिया है ओपन जो सेम कटा, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक, यही आपको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार 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 पूछा गया है, कई बार। आगे वाले में बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट में ऊपर प्लस वन प्लस साइन है, नीचे वन माइनस साइन है, सेम टू सेम चीज़ है, बस चिन्ह का फर्क है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे किया जाता है वो भी देख लो। देखिए छठा क्वेश्चन जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है अंडर रूट में वन प्लस साइन है, गुणे में है वन माइनस साइन है। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है ऊपर जो समान हो तो हमें परिमेयकरण करना होता है, ठीक है, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करना आपको आता होगा, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यहां माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, नीचे वाला देखते हैं लेकिन जो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का क्या हो गया प्लस, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप ऊपर देखेंगे वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है, तो वन प्लस साइन है कितनी बार है, दो बार है, घात में दो लग जाएगा, और यहाँ एक खास सूत्र लगेगा, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर अभी भी अंडर रूट के अंदर ही रखते हैं, थोड़ा इसको हल करना पड़ेगा, और एक का वर्ग एक होता है, और आप जानते हैं
वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? जितनी भी घात होती है बाहर आके उसकी आधी हो जाती है। ठीक, तो दो की बाहर आके घात कितनी हो जाएगी? एक, और कॉस दो है बाहर आके घात कितनी हो जाएगी? एक। घात एक लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, अब अलग अलग बट्टे ले लो, एक के बट्टे में कॉस, साइन के बट्टे में कॉस। एक बट्टे कॉस क्या होता है? सेक। और साइन बट्टे कॉस क्या होता है? टेन। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, sec प्लस टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इसको हमें सिद्ध करके टेन थीटा लाना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वेरी वेरी, वो तो मैं बता चुका हूँ। इसके जो अगला वाला पार्ट ना, आठवां, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में बार 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 पूछा जाता है, आठवां नंबर। ठीक है, वैसे हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो चले आते हैं आठवें पार्ट पे। तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, वो हम लिख लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बायां पक्ष क्या हमारे पास? साइन थीटा टू साइन क्यूब थीटा बट्टे में है टू कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा, यह है। ठीक, और हमें सिद्ध करके क्या लाना है? इसमें सिद्ध करके हमें टेन थीटा लाना है। ठीक, तो देखो टेन लाना तो है, ऊपर से देखो क्या उभयनिष्ठ है, कम से कम साइन का भागा एक बार चला जाएगा दोनों में, साइन ऊपर उभयनिष्ठ दोनों में से, तो साइन एक कम साइन बाहर आ गया, दो साइन की घात तीन में से एक बाहर आ गया, तो दो घात बचेगी साइन की पावर टू थीटा। बट्टे में यहाँ देखो कम से कम कॉस एक बार दोनों में भागा जाएगा, तो उपनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। अब देखो यहाँ से बचा टू साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ठीक है ना, आप जानते हैं प्रूफ में मुझे टेन थीटा लाना है, तो ये चीज़ मुझे चाहिए नहीं थी, लेकिन इसको आप काट नहीं सकते अभी क्योंकि ये बराबर नहीं है, काटोगे तो गलत माना जाएगा, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। देखो टेन थीटा वन टू साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसमिका होती है, नीचे वाले को नहीं बदलना है, नीचे वाले को वैसे का वैसा रखेंगे। टेन थीटा, अब देखो एक आप जानते हैं ना सूत्र कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, दो से गुणा करेंगे तो एक कम दो, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ठीक, यहाँ बचा टेन थीटा, देखो ये प्लस का क्या है? टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक में से दो कम करेंगे क्या बचेगा? एक। नीचे क्या है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ठीक, ऊपर नीचे क्या है? सेम टू सेम है, अब ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचा सिर्फ? तो यहाँ से बचा सिर्फ हमारा टेन थीटा। ठीक, तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, आठवें नंबर पर। आठवें नंबर को बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक, इसको हल करके हमें ये वाला लाना है। ठीक, तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर,
ठीक, जो बायां पक्ष है उसको एक बार लिख लेते हैं, क्या है हमारा बायां पक्ष? साइन ए प्लस कॉसेक ए का वर्ग प्लस में है कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग, ठीक। और हमें सिद्ध करके सात प्लस के टेन स्क्वायर प्लस के कॉट स्क्वायर लाना है। सात ऐसे तो आएगा नहीं, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप सूत्र जानते ही हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस के टू ए बी, ये होता है कि नहीं? हम जानते हैं, वर्ग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, फिर आएगा टू ए और ये हो जाएगा बी, ठीक। पहला वाला खोल दिया, अब दूसरा वाला खोलेंगे, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी, ठीक है। अब आप जानते हैं इसको, और मैं इसको साथ में रखता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? एक होता है। इन दोनों को साथ में रख दिया और इसको मैं खोल देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए टू, साइन ए गुणा कॉसेक ए का मान कितना होता है? एक। सेक को खोल देंगे, सेक का सूत्र क्या होता है? वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉस ए गुणा सेक ए का मान कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ पर मैंने जो जो सूत्र लगाया वो लिख देता हूँ। पहले लगाया कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर है, उसके बाद साइन ए गुणा कॉसेक ए की जगह एक रखा, फिर कॉस ए गुणा सेक ए इसके जगह एक रखा, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? एक। जो भी मान आप लगा रहे हो वो लिख के दिखाना है, डायरेक्ट करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसके जगह पे आ जाएगा एक, ये हो गया एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, दो एकम दो प्लस एक टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से आ जाएगा प्लस के दो, दो दो चार और ये तीन सात, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। और ये क्वेश्चन पाँच नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रूफ करने के लिए आ जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न में हम आते हैं, ठीक है। नवा क्वेश्चन है, देखो इसमें बोल रहा है वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब दोनों को हल करके बराबर दिखाना है, परंतु मैं इसको हल करके भी ये ला सकता हूँ, ये भी दोनों में कर दूंगा, ठीक है, दोनों चीज़ें कर दूंगा। दाएं पक्ष को साथ में लेके भी करेंगे दाएं बाएं, और बाएं से दाएं भी प्रूफ करेंगे, जो कि क्वेश्चन में बोला नहीं है। कभी भी हिंट लिखा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ बायां पक्ष लेने पर, ठीक। क्या करेंगे? बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है मेरे पास? कॉसेक ए माइनस का साइन ए गुणे में सेक ए माइनस का कॉस ए, और हमें सिद्ध करना है एक के बट्टे में टेन ए प्लस कॉट ए, ये सिद्ध करना है। और एनसीईआरटी बुक में क्या बोला, दोनों को हल करके बराबर ला के दिखाओ, वो भी हम करेंगे, पहले इधर से इधर आते हैं, ठीक। तो देखो बाएं पक्ष को हल करके ये लेके आएंगे, देखो कोई सर्वसमिका लग रही है? नहीं लग रही। जब सर्वसमिका नहीं लगती है तो साइन कॉस में बदलना पड़ता है, तो साइन कॉस में बदलेंगे, ठीक है। तो देखो कॉसेक को हम लिखते हैं एक बट्टा साइन, और ये पहले से ही साइन है, ठीक है।
सेक को लिखते हैं हम इकोटा कॉस, और ये पहले से ही कॉस है। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो एक। अब आ जाएंगे लॉसो पर, लेंगे साइन गुणा एक, साइन हो गया लॉसो पर, इसकी गुणा इसके साथ एक एक कम एक, और साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन की घात दो। यहाँ आ जाओ कॉस एक कम कॉस, इसकी गुणा इसके साथ एक एक कम एक, और इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस की घात दो। आप जानते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये मान हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है, साइन है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, बट्टे में क्या है, कॉस है। ठीक है, तो देखो इस स्क्वायर का मतलब दो बार गुणे में, तो यहाँ एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ दो बार गुणे में इसमें से भी एक पावर कम हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा मेरा, कॉस ए गुणा साइन है, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो एक है। हमें ये प्रूफ में लाना, क्या आया अभी तक, नहीं आया है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ए गुणा साइन है, एक की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि एक की जगह पर ये मान लिख सकता हूँ, और इधर देखो गुणे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और ये जो गुणे वाला है ना, इसके बट्टे में लिख सकता हूँ कॉस ए गुणे साइन ए, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बट्टे वाला ऊपर जाके क्या हो जाता है, गुणे में आ जाता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाना है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अलग अलग बट्टे ले लूँगा, साइन स्क्वायर बट्टे में क्या है, कॉस ए गुणा साइन ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में कॉस है साइन है, अलग अलग बट्टे ले लिया, इसकी दो घात से घात कम, इसकी दो घात से घात कम, क्या बचा, ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस, ऊपर बचा कॉस, नीचे बचा साइन। ठीक, तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट। हो गया प्रूफ, राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया, एक के बट्टे में टेन ए प्लस कॉट सिद्ध करना था ना, कर दिया हमने सिद्ध। अब एनसीईआरटी में ऐसे नहीं बोला है, एनसीईआरटी में बोला है दोनों पक्षों को साथ साथ हल करके बराबर ला के दिखाओ, दोनों पक्षों को साथ साथ हल करो, बाएं पक्ष को भी और दाएं पक्ष को भी। तो लॉजिक नियम सेम है, कोई सर्वसम्मति लग रही है, नहीं लग रही है, नहीं लग रही है तो क्या करना है, साइन कॉस में बदल देना है, कॉस एक को लिखेंगे एक बट्टा साइन, और यहाँ पहले से ही साइन है। सेक का मतलब एक के बट्टे में कॉस, और यहाँ पहले से ही कॉस है। क्या कोई सर्वसम्मिका लग रही है इधर, नहीं तो साइन कॉस में बदलेंगे, टेन को लिखते हैं साइन बट्टा कॉस, और कॉट को लिखते हैं कॉस बट्टा साइन। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो एक, लॉस ऑफ आ जाएगा साइन एक कम साइन, अभी बताया था एक एक कम एक, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर, कॉस एक कम कॉस, एक कम एक, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर। अब देखो लॉस ऑफ आ जाएगा कॉस गुणा साइन, इसकी गुणा इसके साथ साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है। अब अभी मैंने आपको सर्वसम्मिका बताया था कि वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, बट्टे में क्या है, साइन है, ब्रैकेट का मतलब होता है आपस में गुणे में, और वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, बट्टे में क्या है, कॉस। अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो बट्टे वाला होता है ऊपर आके क्या हो जाता है, गुणे में आ जाता है,
तो कॉस ए साइन ए को एक से गुणा करेंगे वही आ जाएगा कॉस ए साइन ए। और इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक। अब देखो इसकी घात दो है, साइन इसकी घात एक है, एक घात कटेगी, इसकी घात दो है, इसकी घात एक है, एक घात कम हो जाएगी। ऊपर से यहाँ से बचा कॉस ए और यहाँ से बचा साइन ए, और किसी भी संख्या को एक से भाग देते हैं ऊपर जो होता है वही आ जाता है कॉस ए साइन ए। ठीक है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जहां पर दोनों तरफ बराबर आ जाए वहीं पर छोड़ देना है और ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, आखिरी वाले पार्ट में आते हैं, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्तों, एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। इसको सिद्ध करके ये लाना है और इसको सिद्ध करके ये लाना है, इसको सिद्ध करके ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस वाले पार्ट में, चौथे वाले पार्ट में इसको सिद्ध करके क्या आया था, टेन स्क्वायर आया था। ठीक है, ये वाला पार्ट हल करके टेन स्क्वायर लाना है, तो कर देते हैं आपकी आंखों के सामने, दोनों कर देते हैं, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो जब हम लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ है, तो आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर सर्वसमिका, और 1 प्लस कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। ठीक, और सेक को हम लिखते हैं 1/cos। ठीक, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, कॉसेक को लिखते हैं हम 1/sin, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, एक का वर्ग एक होता है, कॉस का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, एक का वर्ग एक होता है, साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर। ठीक, ये हम जानते ही हैं, आपको पता है कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक कम कॉस स्क्वायर। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन, दोनों में स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो, और यही आपको प्रूफ करना था, टेन स्क्वायर प्रूफ करना था। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरा वाला क्या है, 1 - tan A बट्टे में 1 - cot A का होल स्क्वायर, इसको भी सिद्ध करके हमें टेन स्क्वायर लाना है। आप जानते हो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है 1/10, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, ऊपर वाला कुछ मत करो, कॉट की जगह पर मैं 1/10 रख सकता हूँ, रख दिया है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये भिन्न के रूप में दिख रहा है, तो जो भिन्न के रूप में दिखता है उसको पहले हल करते हैं, ऊपर वाले को वैसे का वैसे रख दो, 1 - tan A, लॉसअप आ जाएगा 10, 10 * 10, 1 + 1, ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, गुड़े में। ठीक, तो ये 10 A 1 - tan A, और यहाँ से जब माइनस उबनिश निकालेंगे तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, माइनस उबनिश निकालने पे ये होता है। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ ऊपर सेम है, कट गया, क्या बचा, बचा माइनस के 10 A का वर्ग, माइनस का वर्ग करने पे माइनस प्लस हो जाता है और 10 का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था, आराम से बन गया। तो बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।